बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। सतीश चंद्र मिश्रा ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि फिजिकल प्रचार पर रोक की वजह से उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों में सियासी जोश कुछ ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने वक्त की नजाकत को समझते हुए आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस बार विधानसभा चुनावों में किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती ने एक बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश दिए थे कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मेरा जन्मदिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में मनाएं। उन्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो कोविड महामारी से पीड़ित है। मालूम हो कि मायावती 15 जनवरी को अपना 66वां जन्मदिन मनाएंगी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो बीएसपी ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया है। उम्मीदवारों के नाम 14 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण के मतदान की अधिसूचना के साथ जारी किए जाएंगे। इस सब के बीच ये खबर आना कहीं ना कहीं बीएसपी को और कमजोर कर देगी या फिर बीएसपी को इसका फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस खबर को देख क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से प्रिया।